हिंदू रक्षा सेना द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चौक स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। हिंदू रक्षा सेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप गौड़ ने कहा कि देश को आजाद कराने वाले नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा को समर्पित कर दिया। इस मौके पर सभी से नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 121वें जन्म दिवस पर उनको याद किया गया। इस अवसर पर हिंदू रक्षा सेना द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चौक स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जिला अध्यक्ष कुलदीप गौड़ ने कहा कि वह अपने जीवन में अनुशासन और कर्तव्य को सर्वोपरि मानते थे। वह अपनी धुन के पक्के थे, जो एक बार ठान लेते उसे करने के लिए तत्पर रहते थे। भारत की आजादी में उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस मौके पर सभी ने नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हिंदू रक्षा सेना ने यहाँ पर सुभाष जयंती के पूर्व पक्ष में यहाँ पे कार्यक्रम किया है। सुभाष जयंती मनाई है हम लोगों ने यहाँ पे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक प्रांत में हुआ था, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद किया था। इन्हीं के द्वारा आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था, और इन्होंने भारतीय देश के नौजवानों को बोला था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा।